आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। आइए डालते हैं एक नजर यूपी की सभी छोटी बड़ी खबरों पर। यूपी के बदायूं में 9 तारीख यानी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। मुख्यमंत्री लखनऊ से हेलीकॉप्टर द्वारा सहसवान के प्रमोदी इंटर कॉलेज 10:50 पर पहुंचेंगे। इस दौरान वह जनपद की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास तथा जनसभा को संबोधित करेंगे। वह 12 बजे यहां से जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्यमंत्री 359 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 1327 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री देंगे। संभवतः सदर क्षेत्र में सीवर लाइन की भी सौगात दे सकते हैं। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंगलवार को बदायूं दौरा था। इस दौरान वे सहसवान स्थित प्रमोद इंटर कॉलेज के मैदान पर विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास एवं जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सहसवान विधानसभा क्षेत्र जनपद का महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। 2017 की मोदी लहर में भी यहां से बीजेपी प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा था, जिसके चलते मुख्यमंत्री के यहां के कार्यक्रम को राजनैतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साल 1996 में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव जीत चुके हैं। यह क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के ओंकार सिंह यादव यहां से विधायक हैं। वहीं संघमित्रा मौर्य बदायूं सांसद का कहना है कि 19 में समाजवादी का गढ़ ढल गया था, 22 में भाजपा सभी सीटों पर जीतेगी। मुख्यमंत्री विकास की गंगा बहाने बदायूं आ रहे हैं। देखें, इस संदर्भ में बदायूं सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने क्या कुछ कहा। कल मुख्यमंत्री का यहाँ प्रोग्राम है, क्या क्या सौगात जिले को मिलने वाली है? कल इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का हमारे सांसद बनने के बाद प्रथम आगमन है और निश्चित तौर पर कल बदायूं को एक तरह से हम ये कह लें कि विकास की गंगा बदायूं में बहने वाली है। तमाम चीज़ों का शिलान्यास और उद्घाटन के माध्यम से कल मुख्यमंत्री जी बदायूं जिले को बहुत बड़ी सौगात विकास की गंगा बहाने वाले हैं बदायूं में। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यहाँ भाजपा कभी जीत नहीं पाई है, लगता है कि 2022 में इस सीट पे भी भाजपा जीत पाएगी। समाजवादी पार्टी का गढ़ कभी कहा जाता था, 2019 से वो टूट चुका है, 19 में भी उनका गढ़ टूटा है। उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती है और आने वाले 2022 में भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों पर कमल खिलाएगी और साथ में सहसवान जो पिछले साल रह गया था उस सीट पर भी इस बार कमल खिलेगा।